सुरक्षा में चूक के मामले पर आरएसएस का पहला बयान आया है। संघ के सह सरकार वाहक मनमोहन वैद्य ने यह बयान दिया है, पंजाब में जो खिलवाड़ हुआ वो सही नहीं है, प्रधानमंत्री को इस तरह खड़े रहना पड़ा तो ये उचित नहीं है। आरएसएस ने इस घटना पर अपना रिएक्शन दिया है और कहा है कि ये सही नहीं है, ये उचित नहीं है। रोहित, अपनी बात पूरी करें, अब तो संघ भी इस में कूद पड़ा और संघ ने भी कह दिया कि ये सही नहीं हुआ। ना तो 130 करोड़ जनता से अगर आप पूछेंगे तो कहेंगे बिल्कुल ठीक नहीं है, सिर्फ कांग्रेस के अलावा, क्योंकि उनकी भाषा जो है पाकिस्तान की भाषा एक ही होती है। इनका नेता राहुल गांधी कहा है, मैं जब से पूछ रहा हूँ सीक्रेट, कौन से सीक्रेट मिशन पे गए हैं, जिस तरीके से हमारे लिए देश पहले, देश की सुरक्षा पहले, सेना पहले, उस समय से सेना पे नहीं रहेंगे, हम सेना के साथ खड़े रहेंगे, भारतीय सेना के साथ खड़े रहेंगे। इनको सेना से इतनी नफरत क्यों है? ठीक है, देखिए समय की कमी है मेरे पास। अजय जी, आखिरी एक पांच सेकंड में उत्तर चाहिए मुझे। आप मानते हैं कि क्या वाकई में ये बस समय समाप्त है मेरे पास, किसी की बात पूरी नहीं हो पाएगी। अजय जी, क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक एक दुखद घटना नहीं है? क्या आप मानते हैं इसको, प्रधानमंत्री की सुरक्षा? अरे प्रधानमंत्री अजय जी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक क्या एक दुखद घटना नहीं है? मानते हैं हाँ या ना? समय नहीं मेरे पास। चलिए ठीक है, मेरे पास समय की कमी है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, एस डेनी और अजय और रोहित, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।